अंकुश हूँ मैं MH1 पर। कॉलेज कैंटीन लेकर आते हैं हम आपके लिए और ये कॉलेज कैंटीन बहुत ही अलग होने वाला है। इन सब के लिए सबसे पहले तालियां, क्योंकि ये सारे परफॉर्मेंस सबके परफॉर्मेंसेज होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं MH1 गुरुकुल कांगड़ी और ये है कॉलेज। यहाँ पर पहुंचा है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के। तो तैयार है हम सारे के सारे जितने भी परफॉर्मेंस होने वाले हैं। एनर्जी की देखिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है और यहाँ पर ये सारे के सारे टेक्निकल स्ट्रीम के हैं, राइट? सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर इस समय कॉलेज कैंटीन के अंदर कौन सा स्टूडेंट आने वाला है? आ जाओ, कौन है, कहाँ है, कहाँ है? तो यहाँ पर ये दो लड़के हैं, एक बड़े मियाँ हैं, एक छोटे मियाँ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक जांगड़ा। कार्तिक, आपका? कुशल हीरेश। कुशल और कार्तिक, के, एक के वो हैं और एक के ये हैं यहाँ पर। तो बैठ जाइए आप। अच्छा, आप तो बजाते हैं ये और आप गाना गाते हैं। अच्छा, गाते हैं और बजाते हैं, तो तैयार है सारे के सारे? एक बार तालियां हो जाए तुम्हारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए। खोलो खोलो दरवाजे पर देकरों किनारे घुटे से बंदी है हवा मिलके छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, मेरी तो मंजिल है वही। मेरी तो मंजिल है वही। मैं देखो कलाकार के तालियों का भूखा होता है तो हमारे को कंजूसी तो करनी नहीं है तालियों के लिए। कार्तिक और कुशल, देखो मल्हार राग गा के तानसेन क्या करते थे, बारिश कर देते थे। दीपक राग गा के दीपक जल जाते थे, ठीक है? तो ऐसे में तुम्हारे इस राग के बाद अभी देखो बादल आ गए हैं, तो बादलों की क्या है कि कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आज बारिश भी हो जाए। तो कितने साल हो गए वैसे भाई दबी तुम्हें ये सारे ताम जाम करते हुए? म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट तुमने पकड़ा हुआ गिटार? मैं थर्ड स्टैंडर्ड से प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं। तो यहाँ से कहाँ तक जाने का तुम्हारा अगला गोल क्या है, सपना क्या है? मैं बस सीखता रहना चाहता हूँ बस रेगुलरली। जो तुमने तलाश की है अपने अंदर, वो तलाश तुम्हारी पूरी कब होगी? तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे अंदर वो सुर है, वो तुम्हारी आवाज निकलती है? सर एक्चुअली मैं सेकंड स्टैंडर्ड से गाता आ रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे पता नहीं था कि मुझमें टैलेंट है। मेरे मम्मी ने मुझे म्यूजिक क्लास में भेजा, बाद में मुझे पता चला कि ये टैलेंट मेरे पास है। जय वीरू की जोड़ी है दोनों की, देख लीजिए। एक थर्ड से जो गिटार बजा रहा है, एक सेकंड से जो गा रहा है, और यहाँ पे आके इस कॉलेज के अंदर, इस कैंपस के अंदर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर दोनों जो मिले हैं। तो दोनों एक ही क्लास में बैठते हो तुम? नहीं, हमारी ब्रांचेस अलग है, लेकिन ये हमारा सेम है, सेकंड ईयर से हम दोनों। अच्छा, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक है? हाँ। क्या बात है। तो क्लास में वैसे जब बैठते हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही चलता रहता है, कुछ धुने बनाते रहते हो अपनी? हाँ, वैसे सबकॉन्शियसली तो चलता रहता है, क्लास चलती रहती है, लेकिन मैं पीछे बैठता हूँ जान पूछ करके। तो सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? हमारा फोर्थ सेम चल रहा है। फोर्थ, और बाय द वे बुरा मत मानना, पूछना तो बनता है कि सेमेस्टर में जब तक इंजीनियर की बैक नहीं लगती ना, वो कहते नहीं रह गया एक तो वो इंजीनियर क्या कि पूरा नहीं हो पाता जब तक इंजीनियर की बैक नहीं लगती। तो कितनी बैक लगी अब तक चौथा सेमेस्टर? 0। आए क्या बात है, तालियां हो जाए। वो तो अपनी तारें बिल्कुल गिटार की और दिमाग की पूरी बैलेंस अच्छा बना के चल रहा है, तो उसकी तो 0 बैक है। तुम्हारी कितनी बैक है? मेरे भी 0 है। क्या बात है, ललाट पर ये टीका लगा दिया इन्होंने और यहाँ पे सेमेस्टर में अब तक कोई बैक लगी नहीं है। और यहाँ पे मेरे पीछे जितने भी हैं भाई, कितने लोगों की कितनी कितनी बैक है वो बात है, तारा हाथ खड़े कर दो जितनी लगी है जिनके बैक। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर अब अगला कौन है, कौन आएगा? भाई देखो, जो कद के थोड़े से नीचे होते हैं ना, वो बहुत ऊंचा जाते हैं। हालांकि मैं इनसे कद में थोड़ा ऊंचा हूँ, लेकिन ये अभी जो कर रहे हैं वो मैं बहुत पहले करके आ गया, लेकिन ये आगे तक निकल सकते हैं। तभी तो मैं यहाँ पर कॉलेज कैंटीन MH1 दिल से कॉलेज कैंटीन के इस बंदे के साथ, जो टैलेंट की एक दुकान है बहुत बड़ी। नाम क्या है तुम्हारा? विमल कुमार। कौन सी स्ट्रीम में हो तुम? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सेमेस्टर कौन सा है? फोर्थ सेमेस्टर। बैक लगी है कोई? अभी तक तो नहीं लगी है। तालियां हो जाए एक बार। रहते कहां पर हो? अभी तो हरिद्वार में कनखल में रह रहे हैं। हर हर महादेव। और बैकग्राउंड जो है वो कहां से आते हो? मधुबनी बिहार से। अरे वाह, क्या बात है, मधुबनी बिहार से हैं। ये भी ललाट की माटी लगा के निकले हैं वहां से और यहाँ आए हैं। तो देखिए कितना लंबा एक फासला तय करके आए हैं। तो अब बताइए कि करते क्या है, जो टैलेंट की बात है? मैं एक पोएट्री मतलब लिखता हूँ, कविता हिंदी में। तो तैयार हो जाइए, अब आपके पास माइक है। माइक इज योर, स्टेज इज योर। मुझे जुनून आया है कुछ कर गुजरने की, मुझे जुनून आया है कुछ कर गुजरने की, आसमान की ऊंची उड़ान भरने की, आसमान की ऊंची उड़ान भरने की, दुनिया की रहस्य एक बार चखने की, दुनिया की रहस्य एक बार चखने की, सबसे अनमोल रतन पाने की, सबसे अनमोल रतन पाने की। मैं निकल चला घर छोड़ अपना, जैसे सर ने बोले, मैं निकल चला घर छोड़ अपना, उस अनमोल रतन की चाह में, उस अनमोल रतन की चाह में, हर समस्या हर रहस्य से परिचय लिया, हर रहस्य से परिचय लिया, कोई सीधा कोई दुर्लभ परिचय दिया, कोई सीधा कोई दुर्लभ परिचय दिया, हर रहस्य का एक नया राज होता, हर रहस्य का एक नया राज होता, किसी को अपनों ने छीना, किसी को गैरों ने धकेला, संघर्ष से सभी संकट दूर हुआ, संघर्ष से सभी संकट दूर हुआ। मैं करीब हूँ अपने अनमोल रतन की, मैं करीब हूँ अनमोल रतन की, यूं मानो मिल चुका मुझे, यूं मानो मिल चुका मुझे। हवा की अदा और मौसम की मासूमियत, हवा की अदा और मौसम की मासूमियत, कुछ कुछ पाठ पढ़ाने लगा मुझे, कुछ कुछ पाठ पढ़ाने लगा मुझे, पल में अंदर, पल में सांसों ने अंदर हवा को रोका, पल में सांसों ने अंदर हवा को रोका, आँखों ने मौसम की मासूमियत को देखा, आँखों ने मौसम की मासूमियत को देखा, आत्मा की गहराई ने एक आवाज़ दिया, आत्मा की गहराई ने एक आवाज़ दिया, मत पर किसी अदा और मौसम की मासूमियत में, मत पर किसी अदा और मौसम की मासूमियत में, अदा और मासूमियत की जाल हटाकर, अदा और मौसम की मासूमियत की जाल हटाकर, चल पड़ा आत्मा की आवाज़ सुनकर, हर बाधा तोड़कर अनमोल रतन पाया, हर संकट स्वयं दूर होता चला, हर संकट स्वयं दूर होता चला। तालियां होनी चाहिए, तालियां और जोर से होनी चाहिए जरा। कब से वैसे तुम्हारे अंदर ये जो शब्दों की ज्वाला है वो कब से है? सर मैं 6 क्लास से इसे लिख रहा हूँ, 2012 से। 2012 से 10 साल हो चुके, एक दशक हो चुका है। तो तालियां हो जाए एक दशक के लिए। जो ये वो डायरी कहाँ गई जिसमें तुमने अपनी ये कवि ने जो कविता लिखी है, देखिए ये डायरी है, डायरी के अंदर पन्ने हैं और पन्नों में कहते हैं कि एक शायर कवि कौन होता है। शायर कवि वो होता है जो अपनी सोच के समंदर की गहराइयों में जाके मोतियों को इस पन्ने में पिरोता है, उसे कहते हैं कवि। आपका नाम क्या है? विमल कुमार। चलिए ठीक है, विमल कुमार की जय हो। एक बार बोल दीजिए विमल कुमार की जय। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर अभी कोई फीमेल इनको सुनाई, मतलब दिखाई नहीं दे रही, ना ही सुन रही है, लेकिन मैं एक फीमेल की तरफ से ये जो परफॉर्मेंसेज हो रही है, मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे शायरों के लिए कि मुद्दत से दूर थे हम और तुम, मुद्दत से दूर थे हम और तुम, एक जमाने बाद मिलना अच्छा लगा, सागर सी गहरी लगी तुम्हारी आंखें, तैरना तो आता था पर डूब जाना अच्छा लगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर अब कॉलेज कैंटीन शो में अगला जो परफॉर्मेंस है वो कौन होगा, जरा हाथ खड़ा करके आगे आ जाए। कहाँ हो भाई, कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे मिस्टर। अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि मिस्टर इंडिया की तरह नीला चश्मा लगाना पड़ेगा, लाल चश्मा लगाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, नीला नीला बोल दिया मैंने। नाम क्या है आपका? सर विशाल पाल। विशाल पाल, कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी जौनपुर। ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम में हो और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हम सर।
और फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है मेरा। क्या बात है। और यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर तक अब तक कोई ब्रेक लगी है, कुछ बैक लगी है? नहीं सर, अभी तो नहीं लगे सर, लगने वाली है सर, लगने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि सर बात यह है कि बिना बैक हुए शेर आगे नहीं बढ़ता ना। शेर हमेशा अपने शिकार के लिए एक बार पीछे जाता है, उसके बाद शिकार करता है। कहते हैं कि इसी को कहते, इसीलिए इंजीनियर एक बार बैग लगा के उसके बाद सर ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। क्या बात है। का भाई ये मेरा हाथ पकड़ रहे हैं और कांप रहे हैं ऐसे 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 थरथराते हुए, मतलब कोई बात नहीं, कोई मैं किसी रेल सा गुजरता हूं कि तुम पुल की तरह थरथराते हो। और कहते हैं कि कश्ती लहरों से टकराते हुए ही वो अपना मंजिल किनारा पाती है, तो ये लहरें हैं, बैग और वो जो लगती है ना ब्रेक लगती है, तो वो हिचकोले हैं, वो स्पीड ब्रेकर है। चलिए ठीक है, अब पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज कैंटीन के अंदर जो बाकी परफॉर्मेंसेज है क्या करते हो? सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग? सर डांसिंग करते हैं। अरे वाह, तो डांस करने के बाद यहाँ पर बहुत गर्म होने वाला है भाई माहौल, क्योंकि पता नहीं है कि ये नोरा फतेही की तरह हाय गर्मी करें। जब तुम डांस करते हो कि तुम्हारे पिताजी ने कभी देखा तुम्हें डांस करते हुए? सर मैं 2 महीने से ही शुरू किया हूँ डांस। 2 महीने से ही, मतलब ये हाल है, अगर 2 महीने से ज्यादा अगर जाएगा तो सोचिए अब कहाँ पहुँच जाएगा ये। तो तुम्हारा डांस किसी हसीना ने देखा है आज तक? 2-3 सर। अच्छा, दो तीन बेहोश हो गई है क्या? 2-3 हसीनाओं ने देखा सर। 2-3 हसीनाओं ने देखा है, तो उन्होंने क्या बोला तुम्हारे डांस देखने के बाद, ये जो तुमने डांस मूव्स किए हैं? सर उन्होंने बोला है कि अच्छा है और एक्सप्रेशन में भी थोड़ा बार करो। थोड़ा सा अगर मुझे भी स्टेप सिखाओ, कौन सा स्टेप सिखाओगे जो मैं जल्दी से सीख जाऊँ? देखो मेरी पैंट वेंट ना फट जाए। ठीक है ठीक। आपको सर ब्रेक डांस का वो सर पैर मोनोवॉक सर। चलो ठीक है, ब्रेक डांस का मोनोवॉक सिखाएंगे ये मुझे, वैसे मैंने आज तक कभी किया नहीं है, लेकिन कहते कि गुरु जतन करे तो चेला टॉप करे। एक पैर एकदम सीधा, एक पैर सीधा, एक टो पे रहेगा सर। ठीक है, इसके सर टो के भरोसे सर इस पे पूरा वेट रख के इस पैर को पीछे। चलो चलो जरा तुम चलो, हम चलते हैं। चलो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक यहाँ पर हीरा, एक यहाँ पर हीरा ऐसा है कि जिसकी चमक देखने के बाद बड़े बड़े डायरेक्टर्स की नजर उसके ऊपर पड़ेगी और वो स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। नाम है उनका, आ जाइए सामने, आ जाइए MH1 के दिल से इस नाम क्या है आपका? तिवारी, उत्कर्ष तिवारी। अरे वाह, ये नाम पहले जो लिया गया तिवारी, उत्कर्ष तिवारी, तो निष्कर्ष ये निकला है कि तुम्हारे अंदर मल्टी टैलेंट जो ऊपर वाले ने भरा है, तलिस्म जो तुम्हारे अंदर भर के भेजा है, क्या क्या है? सर वैसे तो एक्टिंग ना नॉर्मली स्कूल बेस पे करता हूँ और थोड़ी बहुत सिंगिंग शौक के लिए। ठीक है, शौक बड़ी चीज है और एक्टिंग स्कूल से करते आए ही हैं ये, तो यहाँ पर आपके जादुई चमत्कारी एक्टिंग और जो दूसरा जो मल्टी टैलेंट है उसके लिए तैयार है। तालियां हो जाए एक बार, सारे के सारे तालियां लगा। रहने वाले कहाँ के हैं आप? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं और आपका नाम महानता की ऊंचाइयों तक आप लेकर जाएंगे, तो कोई नर्वसनेस नहीं है, बिल्कुल तैयार है। मुझे आपके बिल्कुल जो
कहते ना कि बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि आपके अंदर क्या जादू क्या है। तो ठीक है फिर, एक दो और तैयार। पीके मूवी आप सभी ने देखा होगा, उसमें तपस्वी जी जो बोलते हैं वो बोलना चाहता हूँ। हिमालय की बर्फीली चोटियों में हम तपस्या कर रहे थे, तब तक प्रकाश, अथाह प्रकाश, और वो प्रकाश फूट रहा था कहाँ से, धरती पर गिरे हुए एक छोटे से मनके से। हमने कहा प्रभु पथ प्रदर्शित करें, प्रभु बताइए ये चमकती हुई चीज क्या है जो इतनी सर्दी में भी शीतल नहीं पर गर्म है। प्रभु बोले वत्स, ये शिवजी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा, इसे ले जा के एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, जिसके दर्शन मात्र से सभी दुख दूर होंगे। बोले भोले भोले। क्या बात है, बहुत बढ़िया डायलॉग। मतलब ये डायलॉग डिलीवरी के आगे अगर मैं देखूं, तुलना करूं, तो सच में आमिर खान ने भी एक दो टेक लिए होंगे, लेकिन आपने वन टेक मारा है। तो बाकी आपकी सहेलियों का क्या हाल है, थोड़ा सा उनके ऊपर भी रोशनी डालिए, क्योंकि सर क्या बताऊं सर, सहेलियों पे तो अभी ये गाना भी सुनाना चाहूंगा पहले बताऊं सर क्या करें, शरीर ही कुछ ऐसा है कि किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार सोचना पड़ता है। ऊपर से सर दूसरी बात, कॉलेज आ गए, बॉयज कॉलेज। देखिए क्या होता है, ये एक दो इन्होंने बोला कि शरीर ही ऐसा है, शरीर की मैं बात बता देता हूँ, ये जो इतना भरा हुआ शरीर है, आपको नहीं पता कि इनकी सारी उंगलियां घी में सर कढ़ाई में हो, मतलब एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक वहां पर हो, और अगर इनके फोन की मैं यहाँ पे छानबीन करनी शुरू कर दूं तो आपको यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी सरा। तो ये खुशी जो है चेहरे की मोतियों की तरह जो दांत चमक रहे हैं, ये दांत की चमक और चेहरे की मुस्कान कहती है कि आपके इस फिदा है टैलेंट के ऊपर, लड़कियां काफी एक्टिंग के ऊपर, और आप गायक, अंदर का गायक तिवारी जी जरा बाहर आने दीजिए। एक दो और तैयार। आपके मुंह में घी शक्कर सर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीतपन घट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया। आगी 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 आगी, मैं देखो देखो मैं आगी, आओ मुझसे लिपट जाओ। अरे मत कर मेरे भाई हसीनों से मोहब्बत, ये नजरों से वार करती हैं। मत कर मेरे भाई हसीनों से मोहब्बत, ये नजरों से वार करती है, मैंने तेरी वाली की आंखों में देखा है, वो मुझसे भी प्यार करती है। तो बनना क्या चाहते हो तिवारी जी, बनना क्या चाहते हो यहाँ से जाने के बाद, क्या बनना चाहते हो? क्या बताएं क्या बनना चाहते हैं, जो नहीं बनना चाहते कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, जिसने नहीं सोचा कि क्या करना है वो कुछ अलग बड़ा करके दिखाते हैं। तो अपने सेमेस्टर कितने हो गए हैं अब तक? सर चार सेमेस्टर हो गए, फोर्थ सेमेस्टर में हूं। फोर्थ सेमेस्टर में हो तो अब तक यहाँ पे भगवान की कृपा से बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, हाईवे की तरह, जो हरिद्वार का हाईवे है बिल्कुल प्लेन मक्खन की तरह मलाई मार गई, या बीच में कुछ स्पीड ब्रेकर आए हैं? सर पहला साल तो ऑनलाइन ही चला गया, तो श्री राम की कृपा से एक भी बैक नहीं थे। हर हर महादेव। सेकेंड ईयर में भी वही हाल है फिलहाल। बोलो रामचंद्र की जय। थर्ड सेमेस्टर का क्या हुआ, उसको तो बता दो। सर फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर निकल गए, हाँ। थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए, फिलहाल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सर पास ही हूँ लगता है। बोलो गंगा मैया की। चलिए और फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। चलिए तिवारी जी की अब इस कॉन्फिडेंस के ऊपर तालियां हो रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे फ्रेंड्स के साथ जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो नमो पार्वती पते हारा हर महादेव।
बिल्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर कोई अगला परफॉर्मेंस आने वाला है और वो बहुत फिर आगे परफॉर्मेंस करने वाला है। ये मेरे अंदर की आवाज है, तो अंदर की आवाज अब बाहर से कौन मेरी आवाज सुन के बाहर का, ये लाल टी शर्ट में आए हो, नाम है तुम्हारा आलोक। आलोक आलोक बिल्कुल अलग चमक रहे हो, बाकी सारे सफेद में और टाई में, तुम लाल पहन के क्या सांड भी शायद उड़ाने वाले हो क्या? पता लगा कि आप लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो मैं अभी घर से उठ के आया हूँ। क्या बात है, तो उठ के आगे इतना उतावलापन आप देखिए कि रेस्टलेसनेस देखिए, पता लगा कि MH1 दिल से यहाँ पर कंटीन लेकर आए हैं अपनी कॉलेज कंटीन, तो यहाँ पर ये अपने मुंह तो धोया था शायद नहा के आया हूं। अरे नहा कर आए तुम कसम से, मेरे को लगा शेर के किसी पारिवारिक पेड़ से रिश्ता रखते हो। अरे चलिए, अच्छा और यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम है आपकी? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है, तो सेमेस्टर कौन सा है? सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? सिक्स्थ है, तो छठे सेमेस्टर तक चौके छक्के कितने लगे हैं अब तक? नहीं, क्रिकेट तो छोड़ रखा। अच्छा चल, और पढ़ाई की किताब में जो रेंगते हुए चौके और छक्के जो लग रहे हैं ब्रेक को लेकर? किताब अभी तक तो खैर इशू करा ही नहीं है लाइब्रेरी से, ये बाकी चल रहा है जैसा चल रहा है। ये इंजीनियर की दास्तान है, इसके अलावा जो पढ़ाई के अलावा यहाँ पर जो कराकारिया कैंटीन के रूप में करने वाले हो, क्या करने वाले हो आज? आज शायरी। आए शायर, तो शायरी के लिए माइक तुम्हारे पास है, ग्राउंड तुम्हारा है, आवाज दूर दूर तक जा रही है, बस दिखाई तुम्हें बस लड़के दे रहे हैं। क्या गजब की उमंग रहती है त्योहार पर घर जाने की, क्या गजब की उमंग रहती है त्योहार पर घर जाने की, आंख छलक आती है जब बारी आती है वापस उसी तन्हाई में जाने की। और भर के आंखें निकलेंगे घर से पलट कर नहीं देखेंगे, भर के आंखें निकलेंगे घर से पलट कर नहीं देखेंगे, देखेंगे तो फिर अपनी माँ को मायूस खड़ा देखेंगे। इसी के बाद एक माहौल पर बोलूँगा कि किसी शख्स को इतना भी नहीं तोड़ा जाता कि दीवार में देकर अब सर ही नहीं फोड़ा जाता, और करती हैं मजबूर सभी को जिम्मेदारियाँ ही, वरना मर्जी से तो किसी से घर नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद एक अपने पापा के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये रिलेट कर पाएंगे सारे भाई मेरे, कि आसमां की तरफ देखता था और ज़ोर से चिल्लाता था, मैं जब भी परेशान होता था तो माँ के पास बैठ जाता था, अब कोई सहारा नहीं मिलता जब हर रोज़ हार कर लौटता हूँ, मुझे अब तक लगता था मेरा बाप खुश होकर घर आता था। खैर अभी माहौल थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा दुख दर्द की तरफ चलते हैं, या आशिकी कह लीजिए उसकी तरफ चलते हैं। कि खारजार में पड़े हुए ये जज्बात, खारजार मतलब कांटों में, खारजार में पड़े हुए ये जज्बात और तुम्हारा वो रूखा सा मिलना, कभी मेरे शहर में आना हो कुछ ना कहना पर एक बार मिलना, जब बहुत बहुत शुक्रिया, जब मुड़ना तो मत देखना पलट कर, फिर साल दर साल तुम मुझे मेरे ख्वाब में मिलना, इस जहां में कम ही है मौके और फिर तुम्हारा मेरे सामने किसी गैर से मिलना। और इस गजल की आखिरी शायरी है कि तुम तो नाव में बैठकर हंस रहे हो दोस्त, तुम तो नाव में बैठकर हंस रहे हो दोस्त और मुझ बेसहारा से कहते हो कि दरिया पार मिलना। एक अपनों के लिए जो अपनों से दुखी होते हैं कभी कभी जीवन में, और छोटी सी लाइन है कि कैसे सो जाया करूं वक्त से, दुनिया को ऊंचाइयों से देखना है, कितने अपने पराए होंगे अब मुझे ये आजमा के देखना है। हमारे अंदर जो ये जज्बात बाहर आ रहे हैं ना उमड़ उमड़ के, मुझे ऐसा पक्का यकीन हो चुका है कि कोई तो ऐसी थी जो आई और वो हवा के झोंके, और ये मुस्कान जो है मंदी मंद मुस्कान, क्योंकि हर बात का जवाब इनके पास था, हाजिर जवाब तो थे ही, लेकिन जब शायरी के बाद इनकी जो मुस्कान जो आई है, जो शब्द नहीं थे उसमें, तो इसका मतलब कोई थी। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं कि मूव ऑन करना चाहिए जिंदगी में, मैं ये वो नहीं डायलॉग मारूंगा कि भाई गाड़ी और लड़की जिंदगी में आती रहती है, नहीं, नहीं लड़की जो है, लड़की जो है वो एक आती है, वो आपकी जिंदगी में काया पलट करके जाती है, तो इसलिए मन की उमंगे तरंगे पतंगे बन के उड़ान मारती है, ठीक है। तो ऐसे में जो तुम्हें छोड़ के गई है, जिसके लिए तुमने इतने दर्द भरे जो लिखे हैं पन्नों पे मोती पिरोए हैं, बता दूं कि मेरे 100-100 शेर भी तेरी एक एक बात को कहने का कहां दम भरते हैं,
मेरे सौ सौ शेर भी तेरी एक एक बात को कहने का कहां दम भरते हैं, लिख दूंगा सैकड़ों दीवान भी वो सब कहां तेरे एक जज्बात को कहने का दम भरते हैं। बहुत बढ़िया, तो कहां तक जाइएगा? मतलब माइक तुम पकड़ के रखो, मेरे पास तो लगा हुआ है। हाँ, कहां तक जाइएगा? हाँ मतलब छठा सेमेस्टर है तो सेमेस्टर तो तुमने अपनी किताब बता दी कि किताब ली नहीं, लेकिन इसके अलावा कहां तक जाने का ख्वाब है? ऐसा तो कोई ख्वाब नहीं है, बस चले जा रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, इसे कहते हैं रियलिस्टिक, कहते हैं इसे। मतलब आप सोच नहीं रहे हैं, आप जो हो रहा है उसको देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। वाह मुसाफिर, कोई नया शब्द आता है सामने तो एक गजल लिख लेता हूँ, क्या बात, और फिर सो जाता हूँ। क्या बात है, और सोने के लिए कहते हैं कि ख्वाब जरूरी हैं, लेकिन ये भाई सोते हैं और उन ख्वाबों में क्या रहता है ये आप बताएंगे भी नहीं। बताने लायक कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, मेरे भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे बता दूं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, और जितने भी यहाँ पर टैलेंट और जितने भी मुझे देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि इस लड़के का नाम, मैंने नाम अपना बताया नहीं था, लेकिन जैसे टैलेंट के ऊपर अंकुश नहीं लग सकता वैसे इसको अंकुश ही कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम क्या है आपका? सत्यम। पकड़ लो इसको, ये तुम्हारा है सत्यम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। यूपी में कौन सा शहर, जिला? सर मिर्जापुर। मिर्जापुर, तो वो देखी होगी मिर्जापुर फिर तो, उस नाम से जब रहना है ये अपना उस शहर। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना मिर्जापुर हम अलग से बनाएंगे, वो तो रियल थी, हम रियल की दुनिया में छाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आए कितने साल हो गए हरिद्वार के इस कैंपस के अंदर? यहाँ पे सेकेंड ईयर में हूँ, 2 साल हो गए। मजा आ रहा है? हाँ ठीक है। नहीं लड़के लड़के हैं, मजा तो मतलब वही तो ठीक है। हाँ। वैसे भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं जहाँ पर आपको खूबसूरती दिखती है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल जवान छोरे हैं। किसी की दाढ़ी है, किसी की मूछ है। हाँ। तो अब करना क्या चाहते हो इसके अलावा? पोएट्री। आगे भी जाओगे जब भविष्य में तो पोएट्री के साथ ही चलना चाहते हो या कुछ और भी अपने सपने सजोए हैं तुमने? नहीं पोएट्री के साथ ही जाऊंगा आगे, लेकिन क्या करना भी पता नहीं। चलिए ठीक है, तो पोएट्री में कुछ सोच के लेकर आते हो अंदर? हाँ, मेरा पोएट्री जो है ना, जैसे लोगों ने मोटिवेशनल बोला, फिर भैया ने बोला, वैसे मेरा भी वही है, मैं सिंगार रस पे लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा भी सिंगार रस का ही है, सहयोग सिंगार और योग। चलिए भारी होने वाला है, बहुत भारी होने वाला है, तालियां हो रहे हैं। बस पोएट्री है। लड़की कहती है लड़के से कि कहते थे परियों सी दिखती हो, बोले कंप्लेन करती हुई कहती है कि कहते थे कि परियों सी दिखती हो, रानी बनाकर रखूंगा, गिरने नहीं दूंगा कभी, आंखों की पानी बनाकर रखूंगा। तो लड़का बोलता है कि बना दिया नौकर जो कभी था राजकुमार, बना दिया नौकर जो कभी था राजकुमार, कुछ भी कहूँ तो कर देती हूँ इनका, कुछ भी कहूँ तो कर देती हूँ इनका, तो क्या घंटा मिलेगा प्यार। और एक और कि वो गुस्ताखियाँ करती रही हम खामियाँ ना ढूंढ सकें, वो गुस्ताखियाँ करती रही हम खामियाँ ना ढूंढ सकें, वो इश्क का नाम ले धोखा दिया पर हम बेवफा ना कह सकें, वो इश्क का नाम ले धोखा दिया पर हम बेवफा ना कसे, दिल का घाव लेकर आई थी मेरे पास, दिल का घाव लेकर आई थी मेरे पास, मरहम लगाया पर दफा ना कह सके। एक और कहूँगा कि इश्क की महफिल में हर लड़का कवारा नहीं होता, दुनिया तो यूं ही बदनाम की है किंतु हर आशिक आवारा नहीं होता, कुछ तो मान जाते हैं थोड़े में ही किंतु हर दिलकश बेचारा नहीं होता, अगर वो बातों को समझ गई होती पहले ही तो आज भी कफ हमारा नहीं होता। एक और लिखूंगा कि शायद इसको होता क्या है, ये मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगा कि सोचा था कभी प्यार नहीं करूँगा, लेकिन तुझे देख दिल धड़कने लगा है, मन तड़पने लगा है, नींद उड़ने लगी है, ख्वाब जगने लगी है, होश खोने लगा है और बातें भी लगने लगी हैं, शायद इसको होने लगा है। थोड़ा बीच में आ जाओ, सेंटर में आओ जरा।
भाई तुम्हारे तो जो फोन के अंदर ऐसे ऐसे घिस रहे थे वो कहते हैं कि शायरी और शायर एक होने चाहिए, तो तुम शायर तो हो, तो शायरी भी तुम्हारी ही है जो लिखी है। नहीं साहब, फीलिंग किसी और की है, शब्द मेरे हैं, दोस्तों के फीलिंग है सारे, बताया उनके लिए लिख दिया। दोस्त जो है ये लड़कों के लिए फीलिंग निकालते हो मतलब? नहीं नहीं सर, उनके लिए। कई बार होता है ना कि आपकी प्रेफरेंस ही कुछ और होती है। दोस्तों के लिए सोता हूँ, जीता हूँ, जागता हूँ, रोता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ। नहीं सर, शब्द मतलब स्टोरी किसी और की है। अच्छा, लिखा मैंने। क्या बात है, शब्द मेरे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आपके इस परफॉर्मेंस के बाद कितने शब्द एक दिन में लिखने की तैयारी में? क्योंकि मोटिवेशन तो यहाँ पर MH1 के दिल से, MH1 दिल से के इस टीम के अंदर जो आज आपको मौका मिला है, तो आज मोटिवेशन मिली है, कितने आज पन्ने भर दोगे? सर जितना टाइम मिलेगा। क्या बात है, सत्यम, बिल्कुल सत्य बात कही है तुमने। चलो धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगला परफॉर्मेंस देखिए। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या है कि अंदर से एक आपके अंदर का वो जो जाग जाता है ना, एनर्जी लेवल बूस्टर मिल जाता है। वो बूस्टर आपको हमने आज कॉलेज कैंटीन के रूप में जितने परफॉर्मेंस दिए हैं दे दिया है। आ जाइए, उतर जाइए मैदान जंग में भाई साहब। ये मैदान जंग है, जीत के जाना है, आग का दरिया है। तुम भी लगता शायर ही हो भाई जी। चलिए शुक्र है, यहाँ पे सारे शायर हैं, कोई कायर नहीं आना चाहिए। लेकिन लेकिन शायरी से पहले आपका नाम? आशुतोष, मधुबनी बिहार से। अच्छा, आशुतोष जी भी बिहार से आए हैं। यहाँ पे आपके कई साथी हैं, तो लेखक हैं आप भी और लिखते अच्छा हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहाँ देखिए एक बार, और ये बताइए कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, सेमेस्टर कौन सा है? फर्स्ट सेमेस्टर है। अरे वाह, बिल्कुल कॉलेज से, कॉलेज से फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस। घबराइए मत, कांपना नहीं है, बिल्कुल तगड़े होके रहना है यार। आगे कोई आपके आपकी जिंदगी में एक कन्या भी आएगी, उसको भी तगड़े होके हैंडल करना है। मतलब अभी से अगर ऐसे ऐसे होगा तो बताइए कौन सा बाप अपनी कन्या तुम्हारे हाथ में देके बोलेगा जीवन संगनी है तुम्हारी। तो स्कूल के बाद जो कॉलेज है ये सिखाता है, ठीक है, तो यहाँ से अभी आपकी पढ़ाई अलग भी शुरू होती है। एक किताबी पढ़ाई है, एक बाकी जीवन की पढ़ाई है। चलिए अब ये बताइए कि जीवन में कविताओं के अलावा और इंजीनियरिंग के अलावा और कहाँ तक गोल, क्या उद्देश्य क्या निकालना है? अभी तो आगे देखिए सामने, अभी तो सफर शुरू हुई है, आगे देखते हैं रास्ता कहाँ लेके जाती है। क्या बात है, मंजिल मंजिल कहीं ना कहीं लेके जाती है। चलिए ठीक है, पढ़िए और हम आपकी शायरी के लिए पहले तालियां बजा दें यार। गुरुकुल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट्स तालियां मार के ही हौसला अफजाई करें प्लीज। कई हमारे सीनियर्स हैं और हमारे दोस्त हैं जो इश्क पे लिखते हैं, तो कुछ बोलना चाहता हूँ उन पे। इश्क लिखता हूँ, आशिक हूँ जरूरी तो नहीं। इश्क लिखता हूँ, आशिक हूँ जरूरी तो नहीं। वफा लिखता हूँ, बेवफा हूँ जरूरी तो नहीं। वफा लिखता हूँ, बेवफा हूँ जरूरी तो नहीं। हमारे कमीने दोस्त किस दिन काम आएंगे। दिल वो लगाते हैं और दर्द, दिल वो लगाते हैं और इश्क हम लिखते हैं। दिल वो लगाते हैं, इश्क हम लिखते हैं। दिल उनका टूटता है और दर्द हम लिखते हैं। तो अब इन्हीं दिलों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। झुकी पलकों से भी कत्लेआम हो जाते हैं, कभी कभी बिना नजरें मिलाए ही बवाल हो जाते हैं। अब आजकल कई बार सुने होंगे इश्क, मुकम्मल इश्क, तो इन सब के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। अक्सर मुकम्मल इश्क लिखने वाले अंधेरी रातों में तन्हा रह जाते हैं। अक्सर मुकम्मल इश्क लिखने वाले अंधेरी रातों में तन्हा रह जाते हैं। अक्सर इश्क में कमियां बताने वाले खुद इश्क में गिरफ्त हो जाते हैं। और नुकसान तो उनका हो गया साहब, जिन्होंने इश्क तो किया पर वक्त पे इजहारे इश्क ना कर सके। भाई क्या बात है, अब ये बताओ कि तुम्हारा प्यार उम्र से पहले ही कोई ले गया पड़ोस वाला है या अभी हुआ ही नहीं? सर हमने पहले ही बोल दिया, जरूरी तो नहीं जो इश्क लिखता है वो आशिक भी हो। क्या बात है, हमारे जरूरी तो नहीं कोई इश्क लिखता है वो आशिक भी हो। तो ये आगे की लाइन क्या बोलने वाले थे हमारे, क्या हमारे कमीने दोस्त किस दिन काम आएंगे? क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, कहना चाहता हूं उनका दिल लगे या टूटे साथ तो हमें ही देना है। क्या बात है, और कई ऐसे दोस्त होते हैं देखिए, वो बोलते तो हैं कि शायरी हमारी है, हमने लिखी है, और ऐसे दोस्त उनके लिए शायरियां लिख लिख के उनकी प्रेम कहानी लव लाइफ आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए आपका भी आगे का सफर बहुत बढ़िया रहे, तालियां होते हैं इनके लिए भाई।
और भी कोई ऐसा है जिसने अपने फोन के अंदर कुछ शायरी लिखी है और वो घिस रहा है कलम घिस रहा है कलम? आ जाओ एक आए हैं बिल्कुल बैग टांग के ही आ जाते तो मजा आ जाता, क्योंकि बैग का कलर बिल्कुल पैरेट कलर का था जो इन्होंने पहना था, और पैरेट कलर अक्सर लड़कियों का बड़ा फेवरेट हुआ करता है। क्या बात है, मतलब ये होता है टशन, दाढ़ी लगा के, मतलब ये टशन है। सलमान खान से कम पर्सनालिटी नहीं है, उनकी जवानी में भी वो इतने हसीन नहीं लग रहे थे जितने तुम इस समय नजर आ रहे हो। आपकी जवानी जवान है, जवान रहेगी। नाम क्या है आपका? अंगद पांडे। आए पांडे जी, रहने वाले कहाँ के? बनारस। बनारस के हैं, बहुत बढ़िया। तो बनारस घाट तो वहाँ पर जाते रहते हो? अस्सी घाट है। हाँ, वहाँ शाम में बैठना, चाय पीना, हाँ मजा आ जाता। कुल्लड़ की चाय, बढ़िया। और वहाँ पर बढ़िया, वहाँ पे कश्तियाँ जो सुबह है बनारस। हाँ सुबह है, सही बात है। और वहाँ पर कश्तियों पे भी बैठ के एक अलग प्रेम कहानियाँ भी चला करती। ठीक है, तो वो नयन सुख पीछे आपके दोस्त ही बोल रहे हैं, नयन सुख। चलिए आगे देखिए, अब पीछे की कहानी पीछे की, अब आगे देखते हैं। आगे की जवानी बहुत अच्छी हसीन होने वाली है। सेमेस्टर कौन सा है आपका? फोर्थ सेमेस्टर है। तो सेमेस्टर में अब तक हिचकोले? ना, लहरों से वो टकराई नहीं रही कश्तियाँ, यहाँ पर सीधा किनारे जाने वाली हैं। जितने पूछे किसी को यहाँ पर बैक लगी नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे कैंपस की निशानी होती है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अपने उद्देश्य से भटक नहीं रहे हैं, क्योंकि नजरें बिल्कुल फोकस्ड है। तो क्या करना चाहेंगे आज, क्या बोलना चाहेंगे? करना डांसिंग, सिंगिंग? बस एक छोटा सा शायरी है। छोटी सी शायरी है? बस छोटा। किसके लिए लिखी थी? किसी के लिए नहीं, बस ख्याल आया, इंस्पिरेशन आई। किसके लिए लिखी? माइक पास में ले। नहीं, बस ऐसे ही अच्छा लगा, बस यहाँ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आपकी शायरी के लिए हम तैयार हैं, और फोन घिसते रहिएगा, शायरी निकलती रहे। अलादीन का चिराग में से जिन बार ना आ जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। एक बहुत अच्छे शायर हैं जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, राहत इंदौरी। तो उन्होंने कहा है, गुलाब ख्वाब जहर जाम दवा क्या क्या है, गुलाब ख्वाब जहर दवा जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। अभी हमारा भाई बोला उत्कर्ष एक गाना गाया, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम। तो मैं कहना चाहता हूँ बड़े भैया और अपने जूनियर से भी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो फिर कट जाना है फिर रोने का नहीं। धन्यवाद। चलिए, अब यहाँ पर जो आपके दोस्त आए, लगता है कि काफी बढ़िया हैं दोस्त। साथ में रहते हैं कि कमरे में रहते हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे घर का ही है। अच्छा, घर का ही है, फिर तो हम बिस्तर होंगे मतलब। मतलब घर पे अगर आते हैं तो एक ही साथ केवल एक पलंग पे सो जाते होंगे भाइयों की तरह, ऐसी बात नहीं है? हाँ, तो लगा हमें, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे थे, तो वो भी आ रहे थे। मैं बोल रहा था कि ना, मेरे सपनों की रानी देख रहा है, ये नहीं कैमरे की तरफ देख ले, देख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। दाढ़ी वाड़ी बढ़िया बना के रखिए, है शौक है, दाढ़ी शौक बड़ी चीज है पांडे जी। चलिए धन्यवाद। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्रेयान सौरभ है। श्रेयान सौरभ जी, तो यहाँ कितने साल के इस सेमेस्टर? दो तीन सेमेस्टर हो गए? ये सेकंड ईयर है, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। तो क्या करते हैं, क्या पसंद है करना? पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा थोड़ा सा गाने की। पसंद तो बहुत कुछ है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ मिल भी जाए। हाँ, तो ऐसा है कि पसंद सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो वो आगे आप तक लेके आए। गाना तैयार है आपके लिए, सबके लिए। कौन सा गाना है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप सब लोगों ने गाना सुना होगा अरिजीत सिंह का, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, आशिकी 2 का। ओके, आपकी जिंदगी में आशिकी है कहीं के? अभी तक तो नहीं। बढ़िया है भाई साहब, बचे हुए हैं आप, बाद में देखेंगे। अरिजीत साहब ने वो गाना गाया, उनकी आवाज में आज आप गाना गा रहे हैं इस कैंपस के अंदर, तालियां हो जाए। हम थोड़ा आप यहाँ सामने आपके थोड़ा कुछ और अलग पेशकश करना चाहेंगे। अरिजीत सिंह की आवाज़ में तो आप सब लोगों ने गाना सुन रखी है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना के वजूद मेरा। अब हिमेश रेशमिया आएंगे तो उनके आवाज़ में कैसे गाना होगा? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा।
हिमेश रेशमिया, तो आप लोगों की तालियों से गड़गड़ाहट से ये गुंज उठनी चाहिए। और आगे आगे एक छोटी सी और कोशिश करते हैं। हिमेश रेशमिया तो भाई बुरा मान गए कि ये गाना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं नहीं गा रहा। तो फिर आगे डायरेक्टर साहब गए कि हम कुमार सानू को अप्रोच करते हैं। तो कुमार सानू आए, उन्होंने ऐसे कुछ कहा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अब डायरेक्टर साहब थोड़े उनसे गुस्सा हो गए कि अब ऐसे कुछ ज़्यादा मूर्खियाँ ले रहे हैं तो उन्हें पसंद नहीं आई। तो फिर से दोबारा अरिजीत सिंह के पास जा रहे हैं। अरिजीत सिंह को तो आपने सुन रखा है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आस की, अब तुम ही हो। थैंक यू। पकड़ के रखो, ये तुम्हारा है। अभी जब तक तुम मेरे साथ खड़े हो तो ये माइक तुम्हारा है। okay. और यहाँ पर आशिकी के ऊपर तुमने जो कहते हैं एक कैरेक्टर के अंदर बहुत कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर आपको प्रैक्टिस कर करके आगे लेके आने हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म तो मिल गया। चलिए धन्यवाद, और आगे के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुकुल विश्वविद्यालय के अंदर, इस विश्वविद्यालय के अंदर टैलेंट आगे जो मेरे सामने इस समय आने वाला है, अगला खुद आ जाए, प्रकट हो जाए। आ गया, देखो देखो देखो, मैं आ गया। इसको पकड़ लो जरा, वो आ गया। अच्छा, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। माइक बिल्कुल साथ में रखो अपने, बिल्कुल लबों के पास लगा, लबों के पास छूना नहीं है, बस लबों के पास लगाइए। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। ठीक है मिस्टर हिमांशु, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं? बिहार से। तो चलिए अभी ये बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं? ऐसे छोटा सा रैप लिखे हैं, उसको गुनगुनाना। रैपर है? जस्ट स्टार्टिंग। खुद लिखे हैं? हाँ खुद लिखे हैं। कब से लिख रहे हैं रैप? बस पिछले कुछ महीनों से। कब से, मतलब किससे इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से आई? बादशाह से आई, रैपर यो हनी सिंह से आई, कहाँ से आई? एक किंग करके, किंग रॉक को। किंग रॉक को। तो कितनी उम्र से थे तब आप शुरू किए रैपिंग? बस अभी बोले तो 2-3 महीनों से। मैं सोचा अभी बोले तो बस 2-3 मिनट पहले ही सोचा कि कोई रैपर नहीं, तो इतनी भी जल्दी नहीं है। चलिए ठीक है, तैयार है आप? हाँ 100%। 1-2 तैयार। उससे देखने के बाद दूसरा कुछ ना मुझसे देखा गया, वो घर जाकर सो गई चैन से, पर मैं सारी रात जागा रहा, बेशक मुझे गाना नहीं आता पर मैं गुनगुनाता रहा, जाने क्यों मैं सबसे जाके बस उसके बारे में बताता रहा। ए मैंने देखी ऐसी जनानी, कहाँ की थी वो मुझे पता नहीं, चुरा के ले गई दिल और कई सपने दिखा गई, आया फिर वो स्टेशन, उतरी जहाँ पर वो, बड़ा सही था वहाँ का लोकेशन, अब मैं भी यहाँ मनाने गया था वैकेशन, उस जगह का नाम था हरिद्वार, वो कर रही थी इंतजार मेरे लिए, खारी पड़ी थी लंबी कार, तभी आया मुझे एक विचार, क्यों न दे दूँ उसे लिफ्ट, उसे इसी बहाने थोड़ी बात होगी, शायद से मिल जाएगा एड्रेस और दोबारा मुलाकात होगी, वो मेरे साथ होगी, हाँ वो मेरे पास होगी, मैं विचारों में खोया था तभी आए उसके पापा, लगाया से जैसे पड़ा हूँ मेरे ख्वाबों पे डाका, अब मैंने देखी एक ऐसी जनानी, कहाँ की थी मुझे पता नहीं, चुरा के ले गई दिल और सपने दिखा गई। और क्या, तुम्हारा माइक को अभी तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि तुम ढूंढे भी मिलो ना और हम लाल चश्मा लगा के मिस्टर इंडिया बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है। तुम आज इतना बड़ा टैलेंट, अभी जो शब्दों का जो चुनाव तुमने किया है, वो चुनाव से पता लग जाता है कि है तुम्हारे अंदर वो एक पौधा है, पौधा। तो वो हाईलाइट जब आप होंगे, सेलिब्रिटी जब आप बनेंगे, तो उसके बाद आपको ग्राउंडेड रहना जरूरी है, तो बस जमीन से जुड़े रहना, बाकी सब ठीक है। कॉलेज कैंटीन तुम्हारा दोबारा आएगा, लेकर आएंगे हम दोबारा जब तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। और अगला अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो कौन है सामने आने वाले जी? या गुरुकुल कांवड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से हमारे पास है, नाम आपका? नवनीत सिंह। इसको पकड़ लो, तुम्हारा है।
बटन खोला है, क्या बात है, मजेदार है। मतलब बॉडी बॉडी बना के दंड बंद पेल के बोला, आपने भी तो शर्ट पूरी खोली, हम एक बटन ही खोल सकते। आप पूरी शर्ट खोल के खड़े हो, हमारा एक बटन पे आपको इतराज है, क्या बात भाई साहब, हमें तो फिर भी अपने आप पे नाज है। और ये जो एक साइड से बिल्कुल कहते ना अमिताभ बच्चन, मतलब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। बहुत भारी वाली बात बोल दी है इन्होंने, बहुत भारी वाली। जब बाप की बात है ना, माइक नीचे कर दे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे, मतलब वो सेंसर ना कर जाए, सीधा मेरे कान में आए, तीसरे कान में ना जाए। पहले इंट्रोडक्शन, नाम आपका, शुभ नाम क्या रखा है? मेरा नाम नौनी सिंह, मैं लड़का कमाल का, ज्यादा नहीं बस हूँ 22 साल का। मैं नौनी सिंह, लड़का मैं कमाल का, ज्यादा नहीं मैं 22 साल का, रहने वाला मैं यूपी। यूपी में कहाँ, कौन सा इलाका? लखनऊ। लखनऊ से सिटी ऑफ नवाब्स। अरे वाह, क्या बात है। कहते हैं कि भाई वहाँ तो जब आते हैं जाते हैं साहब लगाते हैं, कहाँ जाइएगा साहब, जब आप रिक्शा पे भी बैठते तो बोले कहाँ, मतलब अदब आदाब क्या होता है, पहले आप, पहले आप हैं जी सर। तो ठीक है फिर, पहले आप, अब आप रैपर ही हैं सर जी, करेंगे परफॉर्मेंस बढ़िया। यो, तेरी पतली कमर पे ये टैटू का निशान, लग दी तू बॉम्ब सच्ची हॉटनेस की दुकान, तुझे स्टेयर करूं मैं रिवेयर करूं, छोड़ूंगा नहीं तुझको, मैं हूं बड़ा शैतान, तू घर वालों को मार बहाना शुरू करूं मैं तुझे सताना, कुछ नहीं आता छोरी तुझको, मुझे पड़ेगा सब सिखाना, इतनी सारी बातें बोलूं तू बस बोले ओ, हर लड़की ऐसे करती माना हो कई लॉ, इन बातों में मिट्टी डाल, सुन मेरे बेबी पास तो आते, दिल के पेपर पे अपनी पिक्चर कर दूं ड्रॉ। यो, वो जो लास्ट में कितना यो क्या था, फिर से करना एक बार यो। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहते हैं कि मतलब ये सब जो शब्दों की ज्वाला, वो जो गली बॉय भी आएगी, एक आई थी मूवी, तो उससे भी कहीं ना कहीं ज्वालाएं बहुत भड़की, बहुत अंदर से टैलेंट बाहर आया जी। तो ये ज्वाला कब से, आपकी कब से ज्वाला शुरू हुई? सर ये 12 से चल रहा है, बट प्लेटफॉर्म मिलता नहीं था सही, तो प्लेटफॉर्म मिल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, MH1 दिल से कॉलेज कैंटीन आपके यहाँ पर आई है, हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, आपके पास इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ से आता है? तो आज इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है, तो आप देखिए अब सेंसेशन ना बन जाए, तो हमें याद रखिएगा जी। बिल्कुल, कौन हूँ मैं? अंकुश। अंकुश हूँ मैं, और हम आपको भी याद रखेंगे, हमें मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, यहाँ पर अब अगले जो परफॉर्मेंसेज है, अब दिल थाम के बैठ जाइए, यहाँ पे एक दूसरे को अब धक्का देने की बारी आ चुकी है, एक दूसरे को अब यहाँ से पुश करने की बारी आ चुकी है। तू जा आए हैं, आए बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि एक क्या बोला तुमने, स्लिम एंड सेक्सी। इसे नाम क्या है आपका? ए एम संजीव। हाँ। तो मिस्टर संजीव, रहने वाले कहाँ के हैं आप? सिवान, बिहार। तो यहाँ पर आपके इस परफॉर्मेंस के लिए आपने अपना मन अभी बनाया या बड़ी देर से वेट कर रहे थे कि भाई MH1 दिल से यहाँ पर आए हैं कॉलेज? नहीं, मैं तो शुरू से प्लान कर रहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन मैंने सोचा सबका प्यार मोहब्बत हो जाए फिर मैं आता हूँ। क्या बात है, मोहब्बत, देखिए अर्द का काम तो वैसे ही मोहब्बत बांटना है, इसलिए मैं बोला भाई प्यार वायर कर लो उसके बाद फिर मैं आता हूँ। ठीक है, सबके आपने मोहब्बत देख ली, अब आपकी मोहब्बत की बारी है, आप मोहब्बत बरसाने आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, क्या है आपके अंदर की वो मोहब्बत? मैं एक कविता सुनाऊंगा। कविता? जी हाँ जी हाँ। कब से लिख रहे हैं कविता आप? मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक है। मतलब शायर तो हैं, लेकिन शायरी इनकी नहीं होती है। जी हाँ। क्या बात है, इनके लिए भी तालियां हो रही हैं, सच बोला इन्होंने। शायरी तो इनकी नहीं है, लेकिन ये शायर है, सच बोल दिया है, और यहाँ पर शाश्वत सत्य के लिए जोरदार तालियां। तो वैसे तो मैं काफी बाद आया हूँ, लेकिन कहते हैं कि जिसके ललाट पर चंद्रमा की किरणें गंगा के रेखा के फेन के समान सुभयमान हो, वैसे जटाधारी शंकर की कृपा से MH दिल से की टीम हमारे पास आई है। अंकुश सर हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आए हैं, तो आपका गुरुकुल कांगड़ी में, हरिद्वार गंगा द्वार में आपका सबसे पहले स्वागत है। अब मैं मेरी भी प्यार मोहब्बत ही है, लेकिन मेरा प्यार मोहब्बत मेरे वतन से है, तो मैं ये अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। अब दर्द झेलते चलो, शर्द झेलते चलो, दर्द झेलते चलो, शर्द झेलते चलो, एक साथ साथियों चलो खेलते चलो, हो हिमालय खड़ा रास्ता हो बड़ा, हो हिमालय खड़ा रास्ता हो बड़ा, देश के दुश्मनों को ढकेलते चलो, दर्द झेलते चलो, शर्द झेलते चलो, एक साथ साथियों चलो खेलते चलो, चाहे ओले पड़े,
चाहे ओले पड़े बम के गोले पड़े, आह करना नहीं वाह डरना नहीं, दर्द झेलते चलो शर्द झेलते चलो, एक साथ साथियों चलो खेलते चलो, है सुहाना सफर। जैसा कि सबने कहा कि मंजिल का पता नहीं है इंजीनियर को, बस रस्ते का मजा लेते जा रहे हैं, तो वैसे ही है सुहाना सफर, रस्ता का है न डर, है सुहाना सफर रस्ते का है न डर, आह करना नहीं वाह डरना नहीं, दर्द झेलते चलो शर्द झेलते चलो, एक साथ साथियों चलो खेलते चलो। धन्यवाद। धन्यवाद। स्टाइल के लिए, कैरेक्टर के लिए, पर्सनालिटी के लिए, और ये जो स्लिम सेक्सी फिट की इन्होंने अपने लिए वो जो टैगलाइन दिया उसके लिए जोरदार तालियां। MH1 दिल से लेकर आता है आपके लिए कॉलेज कैंटीन, और यहाँ पर हरिद्वार में हम आए थे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने अंदर का जो टैलेंट है वो निकाला बाहर, कोई दूसरों को देखकर भी अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे। कहते हैं ना कि एक कम्युनिकेशन, एक डिजीज जो होता है ना, कम्युनिकेबल डिजीज, एक कम्युनिकेशन रहती है टैलेंट की, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होती रहती है। तो यहाँ पर कई आपके परफॉर्मेंसेस देख के उनके अंदर भी वो एक जागा, अंदर तिलिस्म उनके अंदर पैदा हुआ, वो उन्होंने दिखाया, प्रेजेंट करके दिखाया। और ऐसे ही परफॉर्मेंसेस के लिए आपके साथ MH1 दिल से आपके कैंपसेस में पहुंचता रहेगा। हरिद्वार में हम हैं, इन सब स्टूडेंट्स का, कैंपस का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर रहे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।